हेलो, आज की वीडियो में बात करने वाला है कि किन चीज़ों की वजह से एलबीएफ आर्क काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें एलबीएफ आर्क में देखने मिल सकती है, व्हाट थिंग्स कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम एलबीएफ आर्क। मैंने 11 पॉइंट स्टेप बनाए हैं, एक्चुअली लिस्ट बनाया है मैंने 11 ऐसी चीज़ों का जो मुझे लगता है कि एलबीएफ आर्क में देखने हमें मिलेगा। एंड ये सारे 11 के 11 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वन पीस के लिए। मांगा स्पॉयलर्स है वीडियो में, एनमे वाले इधर से प्लीज़ जाएँ एंड लेट्स बिगिन। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय VoiceMe। VoiceMe एक काफ़ी अच्छा कॉमिक वेबसाइट एंड एप्लीकेशन है जहाँ पर तुम्हें काफ़ी वेराइटी और जॉनरा के कॉमिक्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में, वेदर इट बी एक्शन, फैंटेसी, थ्रिलर और एनी अदर जॉनरा, VoiceMe में सब अवेलेबल है। VoiceMe में काफ़ी ओरिजिनल कॉमिक्स भी है। द क्वालिटी ऑफ दिस कॉमिक्स इज़ ग्रेट। कॉमिक्स कंटेंट वाइज भी काफ़ी फन टू रीड है। इफ़ यू आस्क मी, आईड पर्सनली रिकमेंड यू गॉड गेम। एक काफ़ी अच्छा फैंटेसी कॉमिक है ये, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन में मैंने गॉड गेम का लिंक डाल दिया है। दिए गए लिंक पे क्लिक करने से तुम इस चैनल को इनडायरेक्टली सपोर्ट ही करोगे। सो या गो एंड रीड सम ग्रेट कॉमिक्स इन VoiceMe। ओके, तो आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि मैं इधर उधर की बातें ना करके सीधे मुद्दे की बात करूं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो एलबीएफ आर्क में फर्स्ट श्योर हमें देखने मिलने वाला है वो है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ओहारा रिसर्च। एज यू ऑल नो कि ओहारा के पूरे बर्बाद होने से पहले ओहारा वालों ने सारे अपने बुक्स और रिसर्च तालाब में डाल दिया था एंड बाद में जायंट्स उन सारे बुक्स एंड रिसर्च को ले गए थे एलबीएफ। आई एम श्योर हमें ओहारा के डिटेल्ड पोनेग्लिफ्स रिसर्च के बारे में एलबीएफ आर्क में डिटेल में पता चलेगा, मतलब हमें वो नेम भी पता चलेगा एलबीएफ आर्क में ही जिसे बोलने से पहले क्लोवर चीचा को उड़ा दिया गया था। इसी के साथ हमें जायंट्स का पॉसिबल कनेक्शन विद जॉय बॉय एंड जायंट्स का रोल इन एंशिएंट किंगडम एंड वॉइड सेंचुरी के बारे में भी पता चल सकता है। रिमेंबर इमुसामा वाला जायंट स्ट्रॉ हैट, अगर वो जॉय बॉय का है एंड जॉय बॉय एक जायंट था देन आई एम श्योर कि एलबीएफ से उसका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कनेक्शन था एंड जायंट्स एज अ स्पीसीज को ओडा ने एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज कंसिडर किया है काफ़ी बार, तो आई एम श्योर दे प्लेड अ बिग सिग्निफिकेंट रोल इन द एंशिएंट हिस्ट्री। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सम वाइटल डिटेल्स रिलेटेड टू प्रिंस लोकी। अभी तक लोकी सर का फेस रिवील नहीं हुआ है तो विल डेफिनेटली सी लोकीज फेस इन एलबीएफ आर्क एंड और भी चीज़ें रिलेटेड टू लोकी हमें पता चलेगी, जैसे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका लीनिएज, वो प्रिंस कैसे बना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रिंस लोकी आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला आने वाले टाइम में एंड हैव यू एवर रियलाइज्ड कि जायंट इतने इंपॉर्टेंट स्पीसीज है फिर भी एक भी जायंट हमने आज तक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग नहीं देखा है। फिशमैन में वी हैव जिम्बे जो हद स्ट्रॉन्ग है, लूनेरियन एक ही दिखा है बट वो भी हद स्ट्रॉन्ग निकला, जायंट का लेकिन सब ठीक ठाक ही स्ट्रॉन्ग दिखे अभी तक, तो मे बी लोकी विल बी द एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग जायंट। एंड एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग की बात अब मैंने कर ही दिया है तो हाउ कैन वी फॉरगेट बिग मॉम। यस, बिग मॉम जिंदा है कि नहीं वी डोंट नो, बट बिग मॉम का बहुत बड़ा पास्ट रह चुका है एलबीएफ के साथ। नॉट ओनली दैट, बिग मॉम से रिलेटेड अभी भी हमें चीज़ें पता नहीं चली हैं, जैसे कि वो ह्यूमन होते हुए भी इतनी बड़ी कैसे थी साइज़ में। नेचुरली तो बड़ी हो नहीं सकती राइट, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो नॉर्मल साइज़ के ही थे ना, और उसके एक भी बच्चे में उसका जायंट ट्रेट नहीं है, विच मीन्स वो नेचुरली जायंट नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसके बारे में हमें एलबीएफ आर्क में पता चलेगा आई थिंक। लोला का जिस भी जायंट से बिग मॉम रिश्ता तय की थी उसके बारे में भी हमें डिटेल में पता चलेगा एलबीएफ आर्क में ही। ऑल्सो मैंने चीज़ बार बार बोला है कि मुझे लगता है कि बिग मॉम का जो रोट पोनेग्लिफ था वो ओरिजिनली एलबीएफ में था एंड वहाँ से बिग मॉम चुरा के या हड़प के ला के अपने तोतो आइलैंड में रख ली। अगर ये सच है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैशबैक जिसमें हमें इन सारी चीज़ों का आंसर्स मिलेगा शायद से। फ्लैशबैक से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ओहारा इंसिडेंट आता है एंड ओहारा इंसिडेंट में देर वॉज अ जायंट हु वी ऑल थॉट डाइड बट ओडा ने बोला नहीं, ऐसे कैसे। जैगवाडिसॉल, सॉल से रिलेटेड हमें चीज़ें पता चलेगी एलबीएफ आर्क में, आई एम श्योर ऑफ इट। कि हमें विल ऑफ डी से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चलेगा सिंस सॉल डी क्लैन का मेंबर है, मे बी। एंड अगर सॉल दिखेगा तो कांट वी एक्सपेक्ट सम कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ रॉबिन टू। सिर्फ रॉबिन का ही नहीं भाई, उसोप का भी, आई मीन उसको भी तो हमेशा एलबीएफ ही जाना था ना। उसोप रॉबिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलेगा हमें एलबीएफ आर्क में, आई एम श्योर ऑफ इट। वैसे भी भाई ये कैरेक्टर्स काफ़ी टाइम से राइटिंग के मामले में अनटच्ड है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन दोनों का फ्यूचर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने के लिए। एलबीएफ आर्क मेरे हिसाब से सिर्फ जायंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, आई थिंक एंशिएंट जायंट्स से रिलेटेड भी हमें चीज़ें पता चलेंगी। एंशिएंट जायंट्स एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, ओर्स जो था उससे रिलेटेड भी हमें चीज़ें पता चल सकती है, एंशिएंट जायंट्स और नॉर्मल जायंट्स का कनेक्शन ये भी पता चल सकता है, इनका रोल इन एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट जायंट्स के अलावा एक और स्पीसीज़ है जो जायंट्स और एंशिएंट जायंट्स से काफ़ी सिमिलर है, ओनी और ओग्रे, काइडो वाला स्पीसीज़, आई थिंक हमें उसके बारे में भी पता चलेगा इन एलबीएफ आर्क। ओनीस पे वैसे ओडा ने ढंग से बात किया नहीं अभी तक, तो आई थिंक
LBF arc will be the perfect arc to disclose some important stuffs about Onis. We can also get the answer ki Oni Gashma wala skull kiska hai, ek ancient giant ka ya fir ek Oni ka, and wo udhar par kya kar raha hai, and Oni Gashma aur Wano ka history with LBF ke bare mein bhi hame cheeze pata chal sakti hai. Iske alawa there is one more character jiske bare mein I think hame sabse zyada LBF arc mein hi pata chalega, that is Shanks. Shanks ko humne manga mein LBF mein dekha hai. Ab I don't think ki Shanks Luffy ke sath reunite hoga LBF mein. Luffy Vegapunk logo ke aane se pehle Shanks nikal lega LBF se, dekh lena. But kyunki Giants no Shanks, we can expect ki Giants ke through Shanks ke bare mein hame kuch important cheeze pata chalengi. Shanks ka history with LBF and Giants bhi pata chal sakta hai. And Vegapunk ka naam ab maine le liya hai, to let's obviously talk about Vegapunk's research. Vegapunk ne bhi detail mein research kiya and O'Hara's research, and bhai research on research lamao. Vegapunk ne bhi रिसर्च किया है एंड उसके बारे में भी हमें एलबीएफ आर्क में दिखने मिलने वाला है. सिंस एग हेड में अभी तो वेगापंक पे टाइम नहीं है सब समझाने का. ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट सम क्रूशियल इन्फो रिलेटेड टू डेवलफ्रूट्स टू. भाई वेगापंक डेवलफ्रूट से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानता है एंड एग हेड में तो कुछ नहीं बताने वाला, तो मे बी हमें सब चीज़ एलबीएफ में ही पता चलेगा. वेगापंक से काफ़ी इन्फो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इन एलबीएफ आर्क. एंड लास्ट चीज़, विल गेट टू नो अबाउट लूफीज नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड एम इन एलबीएफ आर्क. एलबीएफ से निकलने के बाद लूफी क्या करेगा, वो वॉर करेगा, रोड स्टार जाएगा, फोर्थ रोड पुनिक्लिफ खोजने कहीं जाएगा, या सीधा लॉफ्टेल निकल जाएगा, कुछ और हरकतें करेगा. विल गेट टू नो अबाउट इट इन एलबीएफ आर्क. वैसे भी भाई एलबीएफ मोस्ट लाइकली लूफी का फाइनल स्टॉपेज है बिफोर रोड स्टार एंड लॉफ्टेल, तो हमें लूफी का ड्रीम भी पता चल सकता है इस आर्क में. एंड इन सब के बीच ओडा मिसिंग रोड पुनिक्लिफ से रिलेटेड इन्फो भी स्लिप इन कर सकता है. इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली पता चल सकती है, जैसे साबो का स्टेटस, शैंक्स वर्सेस किड का रिजल्ट, ब्लैक बीट वर्सेस लॉ का रिजल्ट, बट आई थिंक ये सब का एलबीएफ आर्क में ही दिखने का इतना गारंटी नहीं है. ये सब अभी एगहेड आर्क में भी दिख सकते हैं, बट जो 11 चीज़ें मैंने बताई ना अभी जस्ट, मैं बता रहा हूँ ये सब एलबीएफ आर्क में ही हमें देखने मिलेगा. एंड यू कैन एक्सपेक्ट ऑल दिस थिंग्स इन एलबीएफ आर्क. विद दिस ये वीडियो होता है ख़त्म. भाई मैंने काफ़ी जल्दी में सुलटा दिया आई थिंक. आई होप तुम्हें सब समझ आ गया होगा. वॉइस भी को चेकआउट करना मत भूलना. वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब. 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं. एंड चलो मैं निकलता है हाजिमे नो इप्पो रीड करने. तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय.